रखा गया है। शाम को सत्संग होगा, चार बजे से लेकर के साढ़े आठ बजे तक यज्ञ किया जाएगा। उनमें अपने यहाँ पर जैसे वर्षा आदि का भी थोड़ा बहुत कठिनाई होती है, वर्षा हो और अन्न आदि की भी व्यवस्था वर्षा के द्वारा होती है, पीनी आदि की भी जरूरत होती है। तो इसलिए यज्ञों में भी कोई देखना चाहे तो आप ही आके बैठो, लोगों के लिए प्रेम प्रिय और प्रिय नागरिक बंधुओं, प्रेम प्रकाश संप्रदाचार्य सदगुरु स्वामी तेवराम महाराज जी का पावन 133वां जन्मोत्सव 4 जुलाई से 8 जुलाई तक वैशाली नगर प्रेम प्रकाश आश्रम में 84 रोड पर मनाया जा रहा है, जिसमें सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश महाराज जो हमारे प्रेम प्रकाश मंडल के मंडलेश्वर हैं और संत महात्मा गुणीजन कलाकार पधारेंगे। इसमें विभिन्न लोक कल्याण के लिए कार्यक्रम रखे गए हैं। पहले 4 जुलाई को बच्चों के 100 यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें उन्हों को अपने कर्तव्य धर्म आदि की शिक्षा दी जाएगी, जिससे बच्चे होनहार होकर के भारत की सेवा करें, आपस में प्रेम रखें, स्नेह रखें, सबकी सेवा करें। यही उन्हें बच्चों को यज्ञोपवीत के साथ संस्कार दिए जाएंगे। 5 तारीख को सुबह विश्व कल्याण के लिए ये यज्ञ रखा गया है, जिसमें लगभग 15 कुंडों का आयोजन है। वहाँ पर जो भी हमारे बाहर से आए हुए प्रेमी है, अजमेर की जनता है, वो उस यज्ञ में सम्मिलित होंगी, जिससे अच्छी तरह से बरसात हो और उसके साथ साथ अच्छे संस्कार पड़ें और देश की सेवा कर सकें। ऐसे यज्ञ के द्वारा उन्हें कुछ संदेश दिया जाएगा। तो ये कार्यक्रम सुबह 8 से लेकर के और 11 बजे तक होगा। शाम को 5 तारीख को शोभा यात्रा होगी, जिसका अलग अलग मार्ग पत्र में बताए गए हैं। वैशाली नगर में आश्रम से प्रारंभ होगी और वैशाली नगर के खास मोहल्लों से, खास बाज़ार से होती हुई उन्हें वैशाली नगर आश्रम पर समाप्त होगी। 6, 7 और 8 सुबह 7 से लेकर के ध्यान योग की बातें और सत्संग, शाम को 5 से 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक सत्संग का कार्यक्रम होगा। 8 तारीख को विशेष कार्यक्रम है, जिसमें ध्वजावंदन, यज्ञ और भी अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं। शाम को 4 से लेकर के 8:30 बजे तक सत्संग होगा और इस उत्सव का समापन कार्यक्रम होगा। सभी लोगों को से निवेदन है कि सभी लोग आकर के संतों के दर्शन सत्संग का लाभ प्राप्त करें एवं अपने अंदर में अच्छे विचारों को रख करके जैसे हमारा जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, परिवार में, पड़ोस में, शहर में, देश में, सब जगह अच्छे संस्कार हो, हम बनेंगे सारी दुनिया बनेगी। बनाने के लिए संत लोग इतना प्रयास कर रहे हैं तो आप पहुंचेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आप लोगों को सत्संग सभी को निमंत्रण है, सब आकर के इसमें लाभ प्राप्त करें।